कब तक डरते रहोगे? बचपन से लेकर आज तक डरते ही तो आए हो। चलने से पहले गिरने का डर, कुछ बोलने से पहले इस बात का डर कि लोग क्या सोचेंगे, और कुछ करने से पहले इस बात का डर कि जो पहले था उससे ज्यादा कुछ खराब ना हो जाए। डर ने हमारे अंदर काबू पा रखा है। लेकिन दोस्त, एक बात याद रखना कि डरकर जीने वाले व्यक्ति कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, और जो व्यक्ति निडर होकर जीते हैं, कामयाबी उनके लिए सारे रास्ते खोल देती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डर होता क्या है। हम सब ने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया है। हम अपनी लाइफ में जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो सब अपने कंफर्ट जोन में करते हैं। अपने कंफर्ट जोन के बाहर कुछ भी करने में या कुछ भी सोचने में हमें डर लगता है। हम सबके कंफर्ट जोन अलग अलग है, इसलिए हमारे डर भी अलग अलग है। जैसे कोई चार दोस्तों में तो बोल सकता है, लेकिन स्टेज पर जाकर बोलने में डर लगता है। किसी को बिजनेस आइडिया सोचना तो अच्छा लगता है, लेकिन उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने में डर लगता है। मतलब जो भी चीज़ें हमारे कंफर्ट जोन के बाहर है उन्हें करने में हमें डर लगता है, और जो भी चीज़ हमारे कंफर्ट जोन के अंदर है उन्हें करने में हमें डर नहीं लगता। तो अपने डर को खत्म करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को बड़ा करना होगा। लेकिन अपने कंफर्ट जोन को बड़ा कैसे करें? तो उन सक्सेसफुल लोगों से सीखते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बड़े से बड़े रिस्क लिए और अपने डर को खत्म किया और अपने कंफर्ट जोन को बड़ा किया। तो जितने भी लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने हैं, अगर आप उन्हें एक बार ऑब्जर्व करके देखो, तो आपको उन सभी में एक चीज़ क्लियर नजर आएगी कि उन सभी ने अपनी लाइफ में रिस्क लिए हैं। वो अपनी लाइफ में रिस्क लेते गए और उन रिस्क के साथ कंफर्टेबल होते गए। इससे उनका कंफर्ट जोन बड़ा होता गया और फिर बड़े से बड़े रिस्क भी उन्हें छोटे लगने लगे, और ऐसे करके उनका डर बिल्कुल खत्म हो गया। बार बार रिस्क लेने से उनका कॉन्फिडेंस ग्रो करता गया। अगर आपको भी अपने डर को खत्म करना है, तो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करो। आपको खुद को रिस्क के साथ कंफर्टेबल करना होगा। इससे आपकी कंफर्ट जोन बड़ी होती जाएगी और आपका डर खत्म होता जाएगा। रोज कुछ ना कुछ ऐसा करो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। आपकी हर एक रिस्क के साथ आपका कंफर्ट जोन बड़ा होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपका डर खत्म हो जाएगा। अगर डर को कम नहीं किया जा सकता, तो हिम्मत को बड़ा किया जा सकता है। तो आज से हिम्मत करो अपने कंफर्ट जोन से बाहर कुछ करने की, और छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करो। बार बार रिस्क लेने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपका डर खत्म हो जाएगा। जब भी आप शुरुआत में रिस्क लेने की सोचोगे, तब आपको काफ़ी डर लगेगा, काफ़ी बार मन में आएगी रिस्क ना लेने की। लेकिन उस टाइम हार मत मानना और उस रिस्क को लेके देखना, और फिर खुद ऑब्जर्व करना कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया। दोस्तों, डर का काम ही आपको डराना, लेकिन आपका काम है उसे डराना। इसलिए रिस्क लो। जिस भी चीज़ को करने में डर लगता है, उस चीज़ को जानबूझकर करो। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल होते जाओगे, आपका डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। एंड में सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा? हर वक्त यही क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा? बढ़ते रहिए अपनी मंजिल की ओर। कुछ ना भी मिला तो तजुर्बा तो नया होगा। डर के कारण कभी भी अपने रास्ते को मत बदलना। काम हमेशा वही करना जो काम करना पसंद हो। यदि इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बैटरी योर वे, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।